खबरें खेल के मैदान से आपको बताएं, मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप, पाकिस्तान की ईमान खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ईमान खान ने सीनियर वुमेन फ्लाई वेट 56.7 किलोग्राम कैटेगरी में कजाकिस्तान की दिनार आया पोया को नॉकआउट किया। ईमान खान ने दिनार आया को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके फतह हासिल की। ईमान खान ने पाकिस्तान के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता। मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप के मुकाबलों में पाकिस्तान की ईमान खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वाजिया रहे कि इससे पहले पाकिस्तान की बानो भट्ट वुमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली विकेट गिर गई। पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। मैच के तीसरे दिन मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोहतात अंदाज में बैटिंग का आगाज किया, जो ज़्यादा देर बरकरार न रह पाया। 31 के मजमू स्कोर पर नसीम शाह ने बांग्लादेशी ओपनर जाकिर हसन को पवेलियन की राह दिखा दी। और भारतीय कोच गौतम गंभीर भी बाबर आजम के मोतरिफ निकले। गौतम गंभीर ने साबिक पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम के साथ एक ऑनलाइन प्रोग्राम में बाबर आजम के हवाले से बात की और इन्हें मशवरे भी दिए। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच ने कहा है कि बाबर आजम को किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, इनके पास इतनी क्वालिटी है कि वो पाकिस्तान के ऐसे बैटर बन सकते हैं जो आज तक पैदा ही नहीं हुआ।